ये वीडियो दोस्तों मैं जो है कस्टमर साइड पे बना रहा हूँ, तो सबसे पहले आप जो प्रॉब्लम देख लीजिए, प्रॉब्लम क्या आ रहा है। वारंटी में है तो मैं नहीं हुआ, पहले भी एक बार हो चुका है, सही हो। डेली निकालते हो कि नहीं निकालते? डेली निकाल रहे हैं, और डेली निकालने का काम है, इसलिए तो मैं कॉल बार बार पीछे पड़ी हूँ, सही हो जाएगा। कंपलसरी होता क्या डेली एक प्रिंट करना? नहीं ऐसा नहीं है, डेली में वीकली बोले थे, वो वीकली बोले थे क्योंकि, इसीलिए मैं भी पूछ रही हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ब्लैक प्रिंट जो है, ब्लैंक प्रिंटिंग यहाँ पास देख सकते हैं, और यहाँ पास मैंने एक प्रिंट कलर का भी निकाला था, कलर बहुत थोड़ा बहुत आ रहा है और ब्लैक तो पूरा मिसिंग है। तो इस स्थिति पे आप जो है किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, वो भी बिना किसी कंप्यूटर वगैरह के, बिना लैपटॉप वगैरह के, तो ये आप इस वीडियो पर जान पाओगे। तो वीडियो आप पूरा देखिए, आप जो है अपना प्रिंटर घर पे ही ठीक कर सकते हो। इस वीडियो में मैं दो मेथड यहाँ पास आपको बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट मैं यहाँ पास जो है, मुझे लगा कि ये जो है पूरा कलर मिसिंग होगा, इस वजह से मैं इसको खोल के चेक कर रहा हूँ कि हेड के पास जो बॉक्स लगे हुए हैं उस पर इंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके। तो ये देखिए देख सकते हैं आप जो, ये हेड के ऊपर पर जो लगे हुए हैं चारों कलर के आपके, तो इनको आप निकाल के चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पास जो है टोटली भी यहाँ एयर की वजह से यहाँ पास इंक नहीं पहुँच पाता, तो उस स्थिति पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पास एक सीरिंज ले सकते हो इस तरीके से, और उसमें आप खींच सकते हो इंक को। उस स्थिति पे आपका इंक जो है आ जाएगा और जो एयर रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा और प्रॉब्लम नहीं करेगा। सारे कलर की इंक जो है आप इसी तरीके से खींच लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप ये स्टेप भी फॉलो करो, अगर आपके में ज़्यादा मिसिंग आता है तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि यहाँ पास इंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आप जो है सेकंड मेथड ट्राई कर सकते हो जो यहाँ पास बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले तो ये हमारा हो गया, इसको भी लगा देते हैं हम जो है यहाँ पास। ये हम इसको अच्छे से बिठा देते हैं यहाँ पास, ये हमारा लग गया लॉक, ठीक है। ये पाइप वगैरह भी सही ढंग से हम यहाँ पास फिक्स कर देते हैं, और जो है स्कैनर यहाँ पास, चलिए इसका जो है नीचे करते हैं, और किस तरीके से आपको आगे का स्टेप करना है वो बताता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, सेकेंड स्टेप ये रहेगा कि आप जो है इंक टैंक जो जितना आप जब पास रिफिलिंग करते हैं, आप जो है रिफिल करते हैं इंक, वहाँ पास सारे ढक्कन आप खोल देंगे सभी कलर का। और क्या करना है आपको, देखिए एक तो आपका नीचे से खींचते हैं तो भी आपका एयर निकल जाएगा, उसके बाद क्या करना है, प्रिंटर ऑन होता है तो आप क्या करेंगे, जो कैंसिल बटन है आपका उसको जो है दबा के रखेंगे जब तक प्रिंटर से आवाज़ आना चालू नहीं होगा। प्रिंटर से आवाज़ आना चालू होता है तो आप जो है उस बटन को छोड़ दीजिएगा और प्रिंटर जो है क्लीनिंग स्टार्ट कर देगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप एयर निकालने के लिए आप तो फर्स्ट सीरिंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट में मैंने आपको दिखाया है उस तरीके से खींच सकते हो आप जो है। उसमें आपको ये बेनिफिट रहेगा कि बार बार आपको हेड क्लीनिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा स्टेप ये रहेगा आपका कि आप जो है चाहें तो इस तरीके से आप जो है सारे कलर्स के यहाँ पास जो है ढक्कन निकाल दीजिए, लॉक जो लगे हुए हैं ऊपर में, उसके बाद जो है आप ये इस तरीके से बटन को प्रेस करके हेड क्लीनिंग कीजिएगा। मतलब वही है, चाहे आप कंप्यूटर से करेंगे तो भी वही स्टेप लेगा, और जो है डायरेक्ट यहाँ पास बटन से करते हैं तो भी वही स्टेप होता है इसको क्लीनिंग करने के लिए। तो चलिए इसको जो है हम थोड़ी देर क्लीनिंग होने देते हैं, जैसे ही हमारा ग्रीन लाइट स्टेबल हो जाएगा तब हम इसको एक प्रिंट देके आपको चेक कराते हैं।
देख सकते हैं हमारा यहाँ पास ग्रीन लाइट जो है यहाँ पास ट्रेवल हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारे ढक्कन लगा देंगे जहाँ पास हमने ये लॉक जो निकाले हुए थे, अभी कवर भी लगा देते हैं। अब देखिए हमने वही प्रिंट फिर से देके देखेंगे, ये स्कैनर पे हमने ये प्रिंट जो है लगा दिया अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पास हमारा प्रिंट जो है अच्छी तरीके से निकल गया। अगर आपको लगता है कि आपके प्रिंटिंग में थोड़ा और प्रॉब्लम आ रहा है तो आप फिर से वही स्टेप कर सकते हो कि कैंसिल बटन को दबा के रख दीजिए, एक बार और क्लीनिंग जो है ले लेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक दो से दो बार में आपका ठीक हो ही जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।